हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टेक कैट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम एडिट करेंगे कुछ इस टाइप का एडिट होने वाला है। और इस वीडियो में जो मैं प्रीसेट यूज करने वाला हूँ उसका नाम है पॉप ग्रीन। तो उसका ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि तेरा लिंक से डाउनलोड नहीं होता है। तो गाइज, मैं ड्राइव लिंक प्रोवाइड करता हूँ। यार अगर ड्राइव लिंक से भी दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करना, आपका जो ईमेल और ब्राउजर आप यूज़ करते हो उसको चेंज करके देखो, शायद ये डाउनलोड हो जाए। और गाइज, आप इस प्रीसेट को डाउनलोड करो, यूज़ करो और मुझे इंस्टाग्राम पे हैशटैग करो। मेरा इंस्टाग्राम आई डी @takeart96 और मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपका वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले लाइटरूम को ओपन करो। लाइटरूम को ओपन करने के बाद जो प्रीसेट दिया हो उसको डाउनलोड कर लो और यहाँ पर ऐड कर लो। और जो फोटो आप एडिट करने वाले हो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लो। तो गाइस, ऐड करने के बाद यहाँ पर ऑल फोटोज़ में आपका जो प्रीसेट और फोटोज़ वगैरह है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पहले से ही कुछ फ़ोटो और जो प्रीसेट है उसको मैंने यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है पॉप ग्रीन लाइटरूम DNG प्रीसेट। तो इस प्रीसेट को आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपका जो प्रीसेट मैं दिया हूँ ये, इस प्रीसेट को आप लाइटरूम में ओपन करो। ओपन करने के बाद इसको कॉपी करना है। तो गाइस, आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पे आप यहाँ पर देख सकते हो 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी सेटिंग्स कर लेना। शायद ये सभी कुछ आपको पता ही होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप इस प्रीसेट को जो है कॉपी कर लेना आपको, ठीक है। कॉपी हो जाने के बाद आप सीधा बैक जाओ और आपकी जो फोटो है उसको आप ओपन करो लाइटरूम में। लाइटरूम में ओपन करने के बाद सीधा फिर से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो और कॉपी सेटिंग्स से ठीक नीचे आपको पेस्ट सेटिंग्स मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका जो फोटो है और जितना भी ग्रीन एरिया है वो सारा कुछ पॉप हो जाएगा, ग्रीन थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा आपका पिक्चर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो पहले कैसा था और ये जो पॉप ग्रीन वाला प्रीसेट है इसको अप्लाई करने के बाद फोटो कैसा बन चुका है, बहुत ही कमाल का लग रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सीधा जाऊंगा बैक और जो दूसरा नंबर का फोटो है उसको ओपन करेंगे और फिर से जाएंगे 3 डॉट में और पेस्ट सेटिंग्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी ग्रीन एरिया है वो सारा कुछ जो है पॉप हो गया है और जितने भी ग्रीन बैकग्राउंड था वो जो उसका कलर जो है बढ़ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिर से जाऊँगा बैक और जो तीसरे नंबर का फोटो है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जाऊँगा सीधा 3 डॉट में और पेस्ट सेटिंग्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो पहले कैसा था, एक नॉर्मल सा फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। किसी भी यहाँ पर कोई भी एडिट नहीं है और इसको अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जब बैकग्राउंड का जो ग्रीन एरिया है वो एकदम पॉप हो गया है और अच्छी तरीके से ज़्यादा ग्रीन हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। सीधा जाऊँगा बैक और जो 4th नंबर का फोटो है उसको ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो एकदम रॉ है, यहाँ पर कोई किसी तरह की इफेक्ट नहीं है, किसी तरह की एडिट भी नहीं है। तो जाऊँगा फिर से 3 डॉट में और पेस्ट सेटिंग्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो कितना इन्हेंस हो गया इस प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद, बहुत ही प्रोफेशनल लुक आएगा। आप इसको यूज़ ज़रूर करना, ठीक है। आप मोबाइल से फ़ोटो खींचो या फिर DSLR से खींचो, कोई मैटर नहीं रखता। आप इस जो प्रीसेट है इसको अप्लाई करो आपकी फ़ोटो में, हर एक फ़ोटो के ऊपर जो प्रीसेट है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो ये हमारा लास्ट फोटो है, इसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट सेटिंग्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी ग्रीन एरिया है ये पॉप हो चुका है और ग्रीननेस जो है बढ़ गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो पहले नॉर्मल सा एक फ़ोटो था और इसको अप्लाई करने के बाद फोटो कितना इनहेंस हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो पहले कैसा था और इसको अप्लाई करने के बाद एक कैसा बन चुका है। तो गाइज, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ और प्रीसेट को डाउनलोड करो और अपनी फोटो के ऊपर यूज़ करो, बहुत ही बढ़िया प्रीसेट है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका वीडियो कैसा लगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का लेकर आने वाला अपने चैनल में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।